दोस्तों, टेटनस की बीमारी होती है बेहद खतरनाक। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं टेटनस नामक गंभीर बीमारी के बारे में, साथ में जानेंगे इस बीमारी का कारण, इस बीमारी के लक्षण और बचाव, बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों, टेटनस या टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बैक्टीरियल बीमारी है जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी जीवाणु की बीजाणुओं के कारण होता है। यह बीजाणु पर्यावरण में जो है हर जगह पाए जाते हैं, विशेष रूप से जो है मिट्टी, राख, आंतों के मार्ग, जानवरों और मनुष्यों के मल में और त्वचा की सतह और जंग लगे औजारों जैसे कील, सुई, कांटेदार तार आदि की सतहों पर हो सकता है। दोस्तों, अब बात आती है कि इस बीमारी का कारण क्या है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी कारण से चोट या घाव हो जाता है तो बीजाणु यानी स्पोर्स किसी चोट या घाव के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और बीजाणु सक्रिय बैक्टीरिया बन जाते हैं जो शरीर में फैल जाते हैं और टेटनस टॉक्सिन, जिसे जो है टेटनोस्पास्मिन भी कहा जाता है, नामक जहर बनाते हैं। यह जहर रीढ़ की हड्डी से आपकी मांसपेशियों तक तंत्रिका संकेतों को अवरुद्ध करता है, जिससे मांसपेशियों में गंभीर ऐंठन यानी सिकुड़न या संकुचन होने लगता है। ये जकड़न खासकर जो है आपके जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में होती है। ये ऐंठन इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वे मांसपेशियों को फाड़ देती है या रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का कारण बनती है और हम जो है टेटनस जैसी तीव्र संक्रामक रोग से जो है ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, टेटनस को आमतौर पर लोकजो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब बात आती है टेटनस जैसी गंभीर बीमारी के लक्षणों की, तो आप समझ लीजिए टेटनस किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह रोग नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में विशेष रूप से आम और गंभीर है। दोस्तों, टेटनस का सबसे आम प्रकार को सामान्य टेटनस कहा जाता है। WHO के मुताबिक इन्फेक्शन के 3 से 21 दिन के भीतर टेटनस के लक्षण जो है दिखते हैं, अधिकांश मामलों में 14 दिन के भीतर घटित होते हैं। दोस्तों, लक्षणों में शामिल हो सकते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, अब बात आती है इस गंभीर बीमारी के बचाव की, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपको कोई खुला घाव है या आप बाहर घायल हैं, घाव मिट्टी के संपर्क में रहा है, लेकिन दोस्त आपने 10 वर्षों के भीतर टेटनस बूस्टर का टीका लिया है, तो घबराने की बात नहीं है। आप अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से संपर्क करें, वहाँ आपका उचित इलाज किया जाएगा। यदि आपने कभी वयस्क या बच्चे के रूप में टेटनस के खिलाफ टीका नहीं लगवाया है या आपके बच्चे को टीका नहीं लगाया गया है, या यदि आप अपने टेटनस टीकाकरण वैक्सीन की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। दोस्तों, चोट लगने के 48 घंटों के भीतर जो है टेटनस बूस्टर का शॉट लेने का प्रयास करें। टेटनस जो है उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिन्होंने कभी टेटनस का टीका नहीं लगवाया है। ऐसे में इस बीमारी का सिर्फ एक ही बचाव है, वह है टीकाकरण। टेटनस का टीका बच्चों को डिप्थेरिया और टेटनस टॉक्सोइड्स और अकोशिकीय पर्टुसिस वैक्सीन के हिस्से के रूप में दिया जाता है। दोस्त, आशा करता हूँ यह टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक और मज़ेदार जानकारी के साथ, एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।